प्रदेश में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर इस वक्त पूरे देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने जातीय जनगणना पर बड़ा हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि विपक्ष देश की जनता को जातियों में बांटना चाहता है। क्या विपक्ष के लिए गरीब से ज्यादा जरूरी गरीब की जाति को जानना है? क्या विपक्ष अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करना चाहता है? अगर विपक्ष ये सब नहीं चाहता तो फिर जातीय जनगणना की आखिर जरूरत क्यों है? क्या ये कदम देश की बहुसंख्यक आबादी को बांटने वाला कदम नहीं है? ये पीएम ने कल बड़ी बातें कही। चाहे वो दलित हो, गरीब, चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है। आज भी यहां छत्तीसगढ़ में अलग अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल देती है, उनकी आवाज को दबाने में जुटी है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना पर जो कहा, अब जरा उसे समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर देश को बांटने का आरोप लगाया जातीय जनगणना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ देश को गरीबी दी है और अब कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर जातियों की बात करके हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ये कहते हैं, साफ साफ उन्होंने ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक जाति विशेष का नहीं बल्कि गरीबों का है और वो किसी भी जाति या समुदाय से हो सकते हैं। प्रधानमंत्री आगे ये भी कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जातियों की बात करके गरीबों का हक मारना चाहती हैं। पीएम ने ये भी साफ कहा कि कांग्रेस कह रही है कि जितनी आबादी उतना हक, तो देश की सबसे बड़ी आबादी तो गरीब है। पीएम ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया और उनके उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बनता है। ऐसे में पीएम ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अपना रवैया बदलने जा रही है।